आप सभी को मेरा नमस्कार. आई एम डॉक्टर विनीता गोयल, वर्किंग एज डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग. ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस धीरे धीरे सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा है. इसके लिए जरूरी है कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर रहें. अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ विमेन या लेडीज में देखा जाता है. वाइल दैट इज़ नॉट ट्रू, रेयरली, बहुत कम ब्रेस्ट कैंसर मेन में भी हो सकता है. सो आई वुड से बोथ जेंडर्स ऑफ द सोसाइटी हैव टू रिमेन अवेयर अबाउट दिस कैंसर. लेट्स अंडरस्टैंड हु इज एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क किसको है? सो मैं इसका जवाब दूंगी कि एवरी विमेन इज एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. जहाँ कहीं कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की, वहाँ इंसिडेंस या रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. बट जनरली एवरी विमेन इज एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड शुड बी अवेयर अबाउट इट. जहाँ प्रेगनेंसी लेट प्लान की जाती है, मतलब कि एज 30 इयर्स के बाद में होती है प्रेगनेंसी, या कम बच्चे होते हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की जाती, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है. सिमिलरली अगर कोई ओबीज है, ओवरवेट है और फिजिकली इनएक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, या अल्कोहल और हॉर्मोन्स का एक्सेसिव यूज़ किया जाता है, वहाँ भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में कि हम इस रिस्क को कम कर सकें और ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकें, आने ही ना दें अपने जीवन में इसको. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, बैलेंस्ड डाइट लें, अपना वेट मेंटेन करें. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रेगनेंसी जो है वो लाइफ में टाइम से प्लान करनी चाहिए, बहुत लेट नहीं होनी चाहिए. इट इज़ गुड टू हैव मोर चिल्ड्रन रादर देन नो चिल्ड्रन और वन आउट टू चाइल्ड. जब भी प्रेगनेंसी हो तो बच्चों को ब्रेस्ट फीड जरूर किया जाए. रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राम, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये भी बहुत आवश्यक है. ब्रेस्ट कैंसर से बचें और जागरूक रहें. धन्यवाद.